तो दोस्तों, आजकल बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे अपने वो बत्तीसी दिखाने वाले फ़ोटोज़ को डाल रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए तीन ऐसे इंस्टाग्राम हैक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको शायद पता नहीं होंगे या पता भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो है नए नए हैक्स हैं और अगर आप इंस्टाग्राम पे नए हैं तो बिल्कुल आपको पता नहीं होंगे। तो आपको ये जान लेना अच्छी बात होगी क्योंकि इनसे आपका काम आसान हो जाता है और आपकी प्राइवेसी सिक्योरिटी और बढ़ती है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इंस्टाग्राम हैक की बात करें तो आप अपने इंस्टाग्राम में सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। अब सर्च हिस्ट्री मतलब कि जैसे कि आप किसी भी अकाउंट को सर्च करते हैं, किसी भी हैशटैग को सर्च करते हैं, तो उन सभी को आप क्लियर कर सकते हैं। वो कैसे होगा? तो आपको क्या करना होगा कि आपको जो है अपने प्रोफाइल पर जाना होगा। उसके बाद आपको साइड में आपको एक हैमबर्गर वाला आइकन मिलेगा, उस पर क्लिक करना होगा और फिर आपको सेटिंग्स में जाके, सिक्योरिटी में जाके, और वहाँ पर मिलेगा आपको क्लियर सर्च हिस्ट्री। जैसे ही उस पर आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पर जो है आपका सर्च हिस्ट्री क्लियर हो जाएगा, यानी कि जो जो आप सर्च किए हैं वो जो है क्लियर हो जाएगा। तो इस ट्रिक की मदद से आप इजीली अपने सर्च हिस्ट्री को क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा हमारा ट्रिक है वो है क्विक रिप्लाई। अगर मान लीजिए कि कोई आपके पास मैसेज आता है, डायरेक्ट मैसेज आता है, जहाँ पर जैसे कि मैसेंजर टाइप का होता है ना इंस्टाग्राम में, तो उसमें आपको मैसेज आता है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप जो है थोड़े वर्ड्स को लिखें और उसको क्विक रिप्लाई दे दें, जिससे कि उससे आपका एंगेजमेंट अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि थोड़े वर्ड्स को लिखें और वो जो चीज़ है वो आपका अच्छा रिप्लाई बन जाए, यानी कि वो एक्सटेंडेड फॉर्म में आपका अच्छा रिप्लाई बन जाए, तो आप क्विक रिप्लाई का यूज कर सकते हैं। तो क्विक रिप्लाई का यूज करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आपको अपने प्रोफाइल पर जाना होगा, हैमबर्गर आइकन पर क्लिक करना होगा और सेटिंग्स में जाके क्रिएटर पर जाना होगा। वहाँ पर आपको मिलेगा सेव्ड रिप्लाई या क्विक रिप्लाई, अगर आप iOS यूज कर रहे हैं तो। अगर आप एंड्रॉयड यूज करेंगे तो आपको सेव्ड रिप्लाई मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है और न्यू क्विक रिप्लाई पर क्लिक कर देना है। उस पर आपको क्या करना है, एक शॉर्टकट बनाना है, जिस शॉर्टकट को अगर आप लिखेंगे तो वो जो है एक्सटेंडेड सस्टेंस आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पर जो है थैंक यू शॉर्टकट लिखूँ और उसका जो एक्सटेंडेड वर्जन है ऊपर लिख दूँ, जो है उसका जो क्या बोलते हैं मतलब, यानी कि एक्सटेंडेड वर्जन, अगर मैं इसको टाइप करूँ तो ये आ जाए ऑटोमेटिक, उसमें अगर मैं लिख दूँ और सेव कर दूँ, अगर अब मेरे पास कोई मैसेज आए और उस मैसेज में मैं बस मान लीजिए कि जिस शॉर्टकट को मैंने सेट किया है, जैसे कि मैंने थैंक यू को सेट किया था, तो अगर मैं उसको लिख दूँ थैंक यू, तो वहाँ पर जो है मुझे एक ऑप्शन दिखेगा, साइड में एक बटन दिखेगा और उसको मैं क्लिक कर दूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो मेरा एक्सटेंडेड वर्जन वाला जो रिप्लाई था वो आ जाएगा और मैं इजीली सेंड कर सकता हूँ। तो इससे जो है आपका टाइम बचेगा और आपको बार बार जो है बड़े सेंटेंसेस को टाइप नहीं करना पड़ेगा और बार बार बड़े सेंटेंसेस को याद भी नहीं रखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो है अपनी ऑडियंस के साथ अच्छी तरह एंगेजमेंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो तीसरी ट्रिक है वो है हाइड फोटोज़ दैट यू आर टैगिंग, यानी कि हाइड पोस्ट दैट यू आर टैगिंग, यानी कि जो जो पोस्ट है किसी आपके फ्रेंड ने या किसी आपके फॉलोअर ने आपको टैग किया है तो वो अपने प्रोफाइल से आप हटा सकते हैं। आपको सिंपली करना क्या होगा कि अपने प्रोफाइल में जाना होगा और टैग्ड इन वाले सेक्शन में जाना होगा। वहाँ पर आपको बहुत सारे पोस्ट दिखाई देंगे जिसमें आप टैग्ड हैं, तो किसी भी आप पोस्ट पर क्लिक कर दीजिए जिसको आपको टैगिंग हटाना है, उस पर आप क्लिक कर देंगे और वहाँ पर जो है आप थ्री डॉट आइकन पर क्लिक कर दीजिए उस पोस्ट पर जाकर, और थ्री डॉट आइकन पर क्लिक करके और वहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए हाइड फ्रॉम माय प्रोफाइल, और हाइड फ्रॉम माय प्रोफाइल पर क्लिक करते ही आपके वो प्रोफाइल में पोस्ट नज़र नहीं आएगा जिसमें आप टैग्ड इन हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है क्योंकि बहुत बार ये अन्वाय करता है लोगों को कि वो बहुत सारे फ़ोटोज़ में टैग हो जाते हैं और उनके प्रोफाइल पर अच्छा नहीं दिखता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई लोग गंदे गंदे फ़ोटोज़ डाल देते हैं, तो उसके लिए भी ये अच्छा चीज़ है। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने इंस्टाग्राम हैक्स के बारे में अच्छी तरह जान लिया होगा। मैं एक और वीडियो बना दूंगा इंस्टाग्राम हैक्स के बारे में जो आपको एक एक्सटेंडेड इन्फॉर्मेशन देगा। तो अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, और मेरे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, केवल वीडियो देख के चले जाते हैं। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।